नियरेस्ट मार्केट में जो कि न्यू मार्केट है, और यहाँ पे आज हम 2000 रुपये का चैलेंज लेके आए कि हम 2000 रुपये में क्या क्या खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं एंड आई एम सो ईगर टू बाई द ड्रेसेस। तो चलो देखते हैं कि हम मोल मुलाई कर सकते हैं कि नहीं, एंड दिस चैलेंज हम ये कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं ये पहली बार चैलेंज कर रही हूँ, किसी ने मुझे बोला था करने के लिए। सो लेट्स गो टू द मार्केट विदाउट एनी पर्सन। हाँ ताई ना दिए था, मम्मी नहीं चली गई तो लिया है एक वी हैव टेकन, कितने में? 400 में दिया है ना, 400 में एक कार्गो पैंट लिया जो कि मुझे बहुत दिन से चाहिए था। तो अब मैं एक और वन पीस सोच रही हूँ लेने के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो लेट्स सी मैं ढूंढती हूँ। ऑरेंज मत ले, ले लिया। अच्छा इसका साइज देख, ढूंढते ढूंढते भैया साइज लग गया, मैं खुश हो गई यार, ये मैं ढूंढ रही थी बहुत देर, मुझे देख के चलो मुझे मिल गया जिसके लिए मैं इतने दूर। अभी दो पैंट ले लिए हैं, 400 के पड़े मुझे एक पैंट और दो पैंट मिल गया है, सो मे बी 400 800 एंड मैं 200 के कुछ गारमेंट्स खरीदे हैं, तो 1000 रुपीज़ अब मेरा ख़त्म हो गया, बच्चे मेरे 1000 तो देखते हैं मैं क्या लूँगी, और अगर नहीं ली तो मैं वापस आऊँगी, पर मैंने काफ़ी कुछ लिया। एकदम थक गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि नहीं अब हम खाते पीते और एनर्जी लेते शॉपिंग करें, क्योंकि आप जानते हो लड़कियाँ जब शॉपिंग करना शुरू करती हैं और ख़ास करके ऐसे क्या मार्केट है न्यू मार्केट में, तो आपको पानी और खाना और सब चाहिए। लो भाई, तो अब हम लोग क्यों नहीं थोड़ा सा, अब हम फिर शॉपिंग को चलते हैं, थोड़ा पी के हाइड्रेटेड हो गए, अब हम जा रहे हैं। हाँ मिलते हैं आपको। अब हम डिहाइड्रेटेड हो गए, अब हम सोच रहे कि ना लगे हम कुछ खरीदें क्या, कुछ एक्सेसरी ले, मुझे वो एक्सेसरी लेना है। ओके लेट्स सी, मैं कुछ लेट्स सी, मैं कुछ अगर एक्सेसरी पसंद कर सकती हूँ तो मैं यहाँ से कुछ लूँगी। हमारे पास अभी 1000 रुपीज़ बचे हैं, इन दैट 1000 व्हाट आई कैन डू सीन। देखो भाई बहुत अच्छे अच्छे एक्सेसरीज हैं, लेकिन ये छोटा बैग क्योंकि हमने इतना सारा सामान ले लिया कि अब हमें रखने के लिए एकदम कम पड़ रहा था, सो ही गेव अस इन 80 टका, एंड ये फेंकने का हमें जगह ही नहीं मिल रहा, हम ऐसे रोड में फेंकना ही नहीं चाहते, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई बांग्लादेश खराब हो जाए, और हम तब से डस्टबिन ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं डस्टबिन नहीं मिल रहा है, तो लेट्स सी अब हम कहाँ इसको फेंक सकते हैं। सुनो ना इधर आओ, तो अभी मैंने ऐसे करना में ये लिया है, फाइनली ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई, ये कजाक के शॉपिंग में कुछ नहीं चलता, बाबरे 80 टका भी, पता है मैंने 3 दुकान घूमा है इसके लिए, सिर्फ पता नहीं दे ही नहीं रहे थे, 100 टका से नीचे आ ही नहीं रहे थे, लग रहा था मार ही देंगे मुझे। नहीं ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अब मम्मी के लिए एक चूड़ा ले लूँ ताकि घर जा रही हूँ तो सब में इसमें ही शॉपिंग हो जाएगी सारी मिला के, तो लेट्स। मम्मी के लिए एक यहाँ से मतलब कि बाला बोल सकते हो या चूड़ी, थोड़ा दूर जाना, वाला बोल सकते हो या चूड़ी मैंने लिया है, और मुझे कितना बड़ा 500 बड़ा मुझे, तो ये 500 में उन्होंने दिया है, एंड दिस कुंदन बाला इज वेल, तो ये बाला मैंने 500 में दिया है, और उधर मैंने 150 में कुंदा लिया, 560 का हमने तो खरीदा था, तो हमारे अराउंड हो गए कितने 700, अब हमारे पास सिर्फ 300 रुपये बचे, और इस 300 में मैं क्या लूँगी मुझे नहीं पता है, बट मुझे आई थिंक एक चश्मा लेना है तो मैं ज़रूर चश्मा लूँगी। चलो देखें आप ये भीड़, और अब मैं परेशान हो गई हूँ, एकदम परेशान हो गई हूँ, सबसे नाका के सबसे ज़्यादा यू कैन से भीड़ वाले जगह पे हैं हम, कितना कम भीड़ है, इस साइड भी मार्केट है और यहाँ पे भी सब मिल रहा है। सीधा चल, सीधा जाओ, थोड़ा सा ओवर ब्रिज आएगा, तो अब हम पहले ये रास्ता क्रॉस कर लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। देखो इतना थक गए हम कि अब यहाँ इस भीड़ में हम सोचे क्यों नहीं थोड़ा पेट पूजा हो जाए, सो चीयर्स टू दिस फेमस थिंग। सो हमने सोचा क्यों नहीं एक चश्मा ले लिया जाए, चूँकि हमारे पास 300 है, तो हम 100 या 200 में चश्मा लेने की ट्राई करेंगे, अगर वो हमें देते हैं, और बाकी तो हम 100-150 रिक्शा भाड़ा दे के घर जाएंगे। सो लेट्स सी, ये देख रही है इसको कुछ पसंद आता है। 250 ओके 150 तो देते से 150 अच्छा एखने देखो ये भैया अनेक भलो आसें अपनी एखे आसते पर पासे शॉपटा आई पासे ये सो ही हैज गिवन मी दिस इन 150 एंड ये अभी का ट्रेंडिंग
यहाँ का ट्रेंडिंग चश्मा है जो कि मुझे बहुत पसंद आया एंड आई लाइक इट। थैंक यू सो मच भैया। तो लकी तुमको कैसा लगा है न्यू मार्केट का शॉपिंग अभी? ऐसा लगा है मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो उधर अलग भीड़ है, इधर अलग भीड़ है एंड भीड़ ही भीड़ है। मतलब वहाँ देखो जाने का कोई जगह नहीं है, यहाँ पे रिक्शा एक दूसरे को ठेल से मार रहे हैं। मतलब न्यू मार्केट ऐसे जगह है ना जहाँ पे आप मेरा मोबाइल भी लेके भाग जाएगा साइड से, मुझे ऐसा लगता है। न्यू मार्केट एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे आप बहुत केयरफुल होके आना होगा और बहुत मतलब कि अब हम इतना थक गए, 2000 का हमने जो शॉपिंग किया है ना, मतलब हमने क्या क्या खरीदा पर हमें खुद नहीं पता है, हम बस झोला में डालते गए। सो अब हम जाएंगे और अब हम जाएंगे और हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि हमने क्या क्या लिया है। 2000 चैलेंज वॉज वेरी टफ फॉर मी बिकॉज बार्गेनिंग करना इज सो टफ इन न्यू मार्केट, क्योंकि वो ना पता नहीं कितना दाम बोलते हैं, समझे? तो बहुत हम थक गए अब अल्टीमेटली। मेरा टी शर्ट कैसा लग रहा है? ओह लुक एट दिस टी शर्ट गाइज, पीपल्स एंड माय ऑडियंस एंड माय फेलो मेट्स एंड माय बैचमेट्स एंड एवरीबॉडी, ये जो टी शर्ट है, ये जो सुंदर टी शर्ट इसने पहना है, आप बताएं कैसे? बिकॉज ये टी शर्ट इसने आज, मैं ज़बरदस्ती इसको बोली चलो भाई मेरे रहते एटलीस्ट वो टी शर्ट पहनो जो मैंने तुम्हें दिया है, तो आज ये वो पहन के आई थी एंड आई थिंक इट लुक्स गॉर्जियस ऑन हर, बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी पिक्चर मैं आपको फुल भी दिखाऊंगी। एंड अभी हमने शॉपिंग कर ली है न्यू मार्केट से, तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ हम लोग अभी एक और जेनेटिक प्लाजा में, हमें छोटा सा काम है वो करेंगे एंड उठाएंगे और कुछ खाएंगे पक्का से। वो 2000 तो हमारे ख़त्म हो गए, बस मैं हमारे पास 100 रुपीज़ बाकी है और वो 100 रुपीज़ का मैं रिक्शा दे के घर चली जाऊँगी। 2000 और मेरे पैसे, मेरे एनर्जी, मेरा हिम्मत अब सब टूट गया है और अब मैं जाऊँगी कहाँ, कुछ खाऊँगी और मेरी हिम्मत तो दाद देनी पड़ेगी, हॉस्टल निकलूँगी, एग्जाम खत्म हो गया है, सोया नहीं हो रही। ये चैलेंज आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों ने सब जोड़ लिया, सब्सक्राइब नहीं करना तो आप लोगों को मैं सब्सक्राइब कर दूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो पीपल, कोई अगर बांग्लादेश विजिट करना चाह रहे हैं तो ये सोच लो ये है मेरे घर में भाई भेजूंगी। द ग्रेटेस्ट, हाँ द ग्रेटेस्ट क्राउडेस्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश, ऑफ बांग्लादेश इज ढाका। लुक एट द अमाउंट ऑफ पीपल, ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अच्छी बात भी है, बहुत लोग हैं यहाँ पे यू नो सपोर्ट के लिए ऑल द टाइम लगा, लेकिन आज को एक आ जाएगा तो सुबह नहीं है। कार्गो पैंट जो है ये मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मूव करके, सो आई बॉट दिस कार्गो पैंट इन 400 हां या इन 400 है ना, 400 ना, इन 400 में मैं लेके आई और मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मूव करके ये कार्गो पैंट एंड 400 का मैंने दो ले लिया, बिकॉज मेरा तो इतना क्रेविंग था कार्गो के लिए। तो मतलब हर भी बात में हमने 2000 में राउंड की बहुत अच्छी शॉपिंग, दो कार्गो पैंट की है, उसके बाद मैंने एक मेरी एक मतलब घर जाने के लिए एक आंटी है उनके लिए एक सामान लिया, फिर मैंने चश्मा लिया, चूड़ी, फिर मैंने चूड़ी लिया मम्मी के लिए, एक प्यारा सा बैंड लिया, मतलब कि वो बैंड था वो शायद, तो वो बैंड था चूँकि अभी बहुत चल रहे हैं वो बैंड, तो वो एक वो बैंड हो गया जो कि मैं स्लोली किसी न किसी चीज़ के साथ यूज़ करूँगी। एक ये कार्गो पैंट है जो मैंने लिया है एंड दिस आल्सो 400, ये भी 400, सो दिस इज 800 एंड फिर मैंने एक मामा के लिए तो मैं दिखाती हूँ, सो मैं एक मामा के लिए चूड़ी यू कैन से मैंने वो लिया है, तो ये चूड़ी है जो मैंने मामा के लिए लिया है और इसका कॉस्ट मुझे 500 पड़ा, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, मतलब कि इनसे क्या बोलते हैं इसको 2-3 साल का गारंटी है, ठीक ही प्राइस में मुझे मिला, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कम किया रिजनेबल करके, सो दिस इज 400 800 एंड प्लस 500 कितना हुआ 8500 1300 ठीक है 8500 1300 सो दिस। एंड फिर एक मैंने दुपट्टा लिया है, काफ़ी अच्छा है, वो घर पे रहती हैं और वो हमारा बहुत ध्यान रखती हैं, तो मैंने सोचा कि एक दुपट्टा ले लें, सो आई पहन के शो ऑफ कर रही है, अभी खुद पहन के शो ऑफ कर रही है, हाँ बिल्कुल पहन के शो ऑफ कर रही हूँ, देखो ये
दुपट्टा मैंने लिया, तो ये दुपट्टा मुझे कितना पड़ा? 170 रुपीज़ में पड़ा। सो ये एक दुपट्टा मेरे को हो गया, तो दिस अराउंड इतना हुआ इसका, 300 प्लस 170 मतलब राउंड फिगर 200 रखो, तो 1500 ये एक इधर हो गए। उसके बाद फिर मैंने एक चश्मा लिया जो कि मुझे 120 रुपीज़ पड़ा, तो 1620। फिर हमने एक हनुमान जी का नारियल पानी पिया था, तो 1700, और आने जाने में 100 लग गए। बस शामली से जाना, ढाका इज सो मच जो। एंड फिर एक मैंने छोटा सा बैंड भी लिया था, वो कहाँ गया? तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल टॉप है, दिस वाज ऑल अबाउट वो पैंट लगा के, मतलब सिमिलर पैंट ही है। सो आई थिंक बुद्ध पैंट में मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने 2000 में इतनी सारी चीज़ें ले ली, मतलब मम्मी के लिए वो चश्मा जो मैंने लिया, वो छोटे भाई के लिए लिया, फिर एक चाची के लिए भी मैंने लिया जो हमारे घर पे रहती हैं, फिर उसके बाद मैंने खुद के लिए लिया, एक छोटी बहन के लिए वो पैंट, दूसरा वाला पैंट मैंने छोटी बहन के लिए लिया है। एक बार मैं पापा के लिए लेना चाहती थी पर वो मेरे से हो नहीं पाया मैंने जितने में, सो आई विल बी अगेन गोइंग इधर कुछ आस पास में। तो दिस वॉज माई 2000 चैलेंज इन न्यू मार्केट ऑफ ढाका, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। एंड अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो और चाहिए, देन डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू, बाय बाय।